सर वाई निकालना है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, देखो तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व की होंगी, लीनियर इक्वेशन जैसे क्वेश्चन है। हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स आएगा। इनको ऐड करें तो 7 + 3 10 होगा, 0 + 0 0 होगा, ये 2 + 0 2 होगा और 5 + 3 8 हो जाएगा। अब मैं अगर 2 को डिवाइड में ले जाऊं और फिर x की वैल्यू निकालूं 2 को सब से डिवाइड करके, सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके, तो 5 0 1 4 ये हमें x मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें y मिल जाएगा, या x की वैल्यू पुट कर दो और y निकाल लो। तो मैं एक काम करता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025, मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y हो जाएगा 7025 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू 7025 माइनस एक्स की वैल्यू है 5014, क्लियर। तो y हमारा हो जाएगा 7 - 5 = 2, 0 - 0 = 0, 2 - 1 = 1 एंड 5 - 4 = 1, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है। 2x + 3y हमें दिया हुआ और 3x + 2y हमें दिया है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, इसको मैं 3 से इंटू करता हूँ और इसको मैं 2 से, फिर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन सब्ट्रैक्ट देम। तो ये हो जाएगा 6x + 9y, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनकी साइन चेंज होगी, तो ये -2 - 3 = 6 -6x - 4y हो जाएगा। अच्छा, वाई मैंने स्मॉल बना दिया, ठीक है, वो वाई कैपिटल आना चाहिए था। अच्छा, 3 का फिर इनमें भी इंटू होगा, तो मैं इंटू कर ही देता हूँ डायरेक्ट। 3 का इन चारों में इंटू होगा, तो 3 - 2 = 6, 3 - 3 = 9, 3 - 4 = 12 और 3 - 0 = 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, पर साइन माइनस का लगेगा, -2 और 2 - 5 = 10। 6x + 6 कैंसिल हो गया, 9 - 4 = 5y, 5y मिल गया, ठीक है। 6 - 4 = 2, 9 - 4 = 9, माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाए, तो 9 + 4 = 13, -12 + 2 = 14 एंड 0 - 10 = -10। अब मैं 5 डिवाइड में ले जाऊँ तो ये 1/5, 2 = 13, 14 - 10 हो जाएगा, और y की वैल्यू आएगी 2/5, 13/5, 14/5 एंड -10/5, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसी इक्वेशन को 2 से इंटू करता हूँ और इसको 3 से, देखो इसको अगर मैंने 2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा 4x + 6y, ठीक है, और इसको मैंने किससे किया, 3 से, तो ये हो जाएगा 9x। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो -9x, और इसको 3 से किया तो 3 × 2 = 6, -6y हो जाएगा। इस बार क्या होगा, y कैंसिल होगा, मैंने इसको 2 से किया है तो हर एलिमेंट 2 से इंटू होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 10, 2 × 0 = 0। माइनस इसको 3 से किया है तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15। इस बार y से y कटेगा, ये हो जाएगा -5x, ठीक है, 4 - 6 = -2, 6 - ± + 12 हो जाएगा, 8 - ± + हो जाए तो 8 + 3 = 11 एंड 0 - 15 = -15, ठीक है। करने को हम x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करके x निकाल सकते थे, पर ये y फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, वो तकलीफ देगा, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने वापस एलिमिनेशन मेथड लगाई। तुम करके देखना, थोड़ा सा है ना दिक्कत आएगी तुमको वैल्यूज़ को निकालने में, अगर तुम y की वैल्यू पुट करोगे ये हो जाएगा +3, ठीक है। कुछ नहीं किया, 5 से सबको डिवाइड किया, साइन चेंज कर दी क्योंकि बाहर -1/5।